Hi everyone, this is Shuli from Shuli's Kitchen. Welcome back to my channel. आज की रेसिपी है वेज मोमोज। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि Shuli's Kitchen को सब्सक्राइब करें एंड इफ यू लाइक माई रेसिपी देन शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। वेज मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑयल। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये डो बन गया है, अब हम इसको काउंटर पे निकल के थोड़ी सी और हम अच्छे से इसका नीट कर लेंगे। अब ये डो बन गया है, मैं इसको अब 10-15 मिनट्स के लिए इसमें ढक के रख देती हूँ। वेजिटेबल मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ले लिया, रेड कैप्सिकम, कैरेट एंड ऑनियन। सारे वेजिटेबल्स को मैंने फाइनली चॉप करके ले लिया है। अभी हम एक बोल में ये सारे वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेते हैं। आप आपके चॉइस के कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। अभी इस मिक्सचर में मैं 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। सॉल्ट डालने के बाद जो पानी निकलेगा उस पानी को हमें निकाल लेना है। आप चाहे तो किसी मसलिन क्लॉथ में इस मिक्सचर को आप डाल के उसको निचोड़ ले अच्छे से और पानी निकल जाएगा। पानी को हमें अलग करना है, लेकिन हल्का मॉइस्ट रहना ज़रूरी है, तभी मोमोज अंदर से सॉफ्ट होते हैं। देखिए, अब मैंने इसको 2 मिनट्स के बाद मैंने सारे जो पानी है वो इसमें छान के ले लिया है। आप इस पानी को फेंकिएगा मत, क्योंकि ये वेजिटेबल का पानी है। इसको हम किसी भी सब्जी बनाने के लिए या कहें आटा गूंदने के लिए आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। डो को 15 मिनट्स हो गया है हमने रख के। जो साइज़ का आपको मोमोज बनाना है उसी साइज़ में आप इसको छोटे छोटे से बॉल्स बना के रख लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सारे बॉल्स को बना लिया है और यहाँ पे वेजिटेबल भी बना के रख लिए हैं। अब मैं आपको मोमोज बना के दिखाती हूँ। ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें सब्जी डाल देती हूँ। इसको पकड़ के ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है, चारों तरफ से हमें ऐसे करके एक एक फोल्ड करना है। और जो वेजिटेबल्स है देखिए ऑटोमेटिकली वो अंदर चले जा रहा है और एक शेप बनते जा रहा है। देखिए ऐसे ही बन गया है। अब हम इसको पकड़ के इसका एक ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे ही ट्विस्ट कर देंगे हम और ये मोमोज बन गया है। मैंने देखिए ऐसे ही बना के रख लिया है। आप चाहे तो अलग अलग शेप के बना सकते हैं, जैसे एक राउंड शेप मैंने अभी दिखाया आपको। अब हम इसको ऐसे ही प्रेस कर देंगे और मैंने एक दूसरा शेप आपको दिखाया। ये देखिए ऐसे ही प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे। ऐसे ही हम प्लेट्स बना लिए, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसको बस इसके साथ जोड़ देना है हमें और ये देखिए बढ़िया मोमोज बन गया है।
तो अब हम ऐसे ही करके सारे बना के रख लेते हैं। अब देखिए मैंने सारे बना के यहाँ पे रख लिया है। आपके पास अगर मोमोज बनाने के लिए मोमो मेकर है दैट इज़ द बेस्ट, पर मैं इडली मेकर में मोमोज बना रही हूँ। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। मैं इस प्लेट्स को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। मैंने इडली मेकर में पानी डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये प्लेट्स को रख देंगे और इसको मीडियम हीट में हम 15 मिनट्स रख लेंगे। 20 मिनट्स हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये बना है कि नहीं। देख सकते हैं ये बन गया है। अब हम हीट को बंद करते हैं और इसको एक डिश में हम निकाल लेते हैं। मोमोज बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं। साथ में मैंने बनाया है मोमोज के लिए चटनी। मोमोज के चटनी कैसे बनाया जाता है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करना ना भूलें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसे बने। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन ईट फ्रेश, स्टे हेल्दी।